माँ इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, देखो कैसे सांस फूल रही है। क्या करूं, उम्र हो गई है, तेरे प्यार की वजह से ही अब तक जिंदा हूं बेटा। इसलिए मैंने सोच समझकर एक फैसला लिया है। क्या? दुर्गा को तलाक देकर मैं किसी और लड़की से शादी कर लूंगा। क्या बोल रहा है? हाँ माँ जानता हूं मैं, ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, बहुत देर हो गई। मेरा बेटा होकर तू ऐसी सोच रखता है? माँ ये सब मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, इस बात को समझ लो। ये क्या बोल रहा है? इस घर की देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए ना माँ, और वो दुर्गा नहीं हो सकती, तुम्हें अच्छे से पता है। बोलो क्या तुम नहीं जानती हो? अरे रे रे पूजा बेटी आओ आओ मेरे पास आओ। माँ उसे मत छुओ। क्यों ना छुओ, ये तेरी बेटी है। वो सब मैं भूलना चाहता हूँ, इस पर मेरा हक ही कहाँ है, ये तो बस अपने माँ की बेटी है। ओहो तुम्हें रोना भी आता है क्या, तुम तो दूसरों को रुलाती हो, फिर ये अचानक ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? बोल लीजिए, जितना चाहे बोल लीजिए, शायद यही मेरी गलतियों का प्रायश्चित होगा। हे अब ये डायलॉगबाजी नहीं चलेगी, क्या सोच कर आई हो, कुछ नया प्लान बना कर आई हो क्या? हाँ इस घर में आके रोना मत, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब तुम्हें, तुम अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश, तुम अपने घर में रहो, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरी बात तो सुनिए। अब ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं, माफ करो। माँ आप तो कुछ बोलिए ना, इस घर में मैंने आपको बहुत कुछ बोला है, मगर आपने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, कुछ तो बोलिए। बहुत हो चुका तुम्हारा ये ड्रामा, अब इसका कोई असर नहीं पड़ेगा मुझ पर, खुद बाहर चले जाओगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ए किशोर इतने दिनों से तू अच्छे से रहा, अब ऐसे पेश आ रहा है, जरा एक बार इसकी बात तो सुन ले फिर कुछ बोल। हाँ बेटा बता। वहां से तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया, तो अब मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालता हूँ, बताओ अब क्या करोगी तुम? ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, अगर ये गई तो मैं भी साथ में चली जाऊंगी। क्या माँ आप किसका साथ दे रही हो? और नहीं तो क्या, इसने पहले जो भी गलतियाँ की ये मान तो रही है कि इससे गलती हुई, इसके मायके वालों ने इसे निकाल दिया है, और अब हम भी निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएगी? बेचारी देख इसे, ये इतनी सी बात नहीं समझ पाई थी कि मायका इसका घर नहीं, लेकिन अब समझ गई है, गलती मान रही है, और इसने हमें हमारे परिवार का वारिस भी दिया है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इसे घर से निकालो। ये सच है या झूठ है? एक लड़की के सच्चे आंसू नहीं दिख रहे तुम्हें तो तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। उनसे कुछ मत कहिए माँ, मैं ये समझ चुकी हूँ कि एक लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है माँ। अब तुम समझ गई हो ना बेटी, मुझे बहुत खुशी है। मेरे पापा ने मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। दुर्गा उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा बेटा, तो इससे बाप बेटी का रिश्ता खत्म नहीं हुआ। नहीं नहीं माँ, उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ, अब यही मेरा घर है और यहाँ पर रहना ही मेरे लिए सम्मान की बात है माँ। किशोर जा उसे जाकर मना ले। मैं नहीं जाऊंगा माँ। नहीं नहीं ऐसा मत बोल, देख
उसे अपनी गलती का पछतावा है। अब तू भी जिद छोड़ दे। गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, पर अगर वो गलती मान ले तो माफ कर देना चाहिए। अगर अब भी हमने उसे नहीं अपनाया तो ये सही नहीं होगा। बस अब तू उसे अपना ले। जा उसके पास, जा ना। ठीक है। सच कहूं तो कीर्तना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने दुर्गा को बहुत गलत बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसके बारे में मुझे सब कुछ पता था, फिर भी जब तुम्हें इस घर में सब कोई कुछ भी बोलते हैं ना, उस समय मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल सका कीर्तना। वो सारा गुस्सा मैंने दुर्गा पे दिखा दिया कीर्तना। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ गणेश, लेकिन आपको थोड़ा आराम से बोलना चाहिए था। इसमें आप ना ही मेरी साइड ले पा रहे हो और ना ही घर में किसी और की साइड ले पा रहे हो गणेश। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। पर दुर्गा समझती थी कीर्तना, उसको मुझ पे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। आज वो सारे विश्वास, सारे भरोसों को मैंने तोड़ दिया कीर्तना। मुझे आज अपने आप से ही बहुत घृणा हो रही है। ए गणेश, आज तूने बहुत सही किया। अगर तूने अपने पापा की बात मानकर दुर्गा के लिए बोला नहीं होता तो दुर्गा अब तक अपने घर नहीं जा पाती। आज तुम्हारी बात से उसे गुस्सा आ गया तो वो अपना सामान पैक करके ससुराल चली गई। अरे जाने दो बेटा। वो अपने ससुराल गई ये बात ठीक है, मगर यहाँ से हमारी वजह से वो वहाँ गई तो उसे कोई क्या बोलेगा। किशोर बहुत अच्छा इंसान है, दुर्गा से बहुत प्यार करता है। वो समझ नहीं पाई, लेकिन अब वो बिल्कुल समझ जाएगी कि एक औरत की जिंदगी में पति का क्या महत्व होता है। देखो कीर्तना, गणेश और उसके पिताजी ने मिलकर कितना अच्छा काम किया है, लेकिन चिंता तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कितना बड़ा गुनाह कर दिया इन्होंने। बताओ गलत किया कि सही। वैसे पापा कहाँ हैं? वो भी छत पे है, अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। चलो ना ऊपर चल के पापा को मनाते हैं। चलो 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 चलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैंने दुर्गा को गुस्से में आकर डांट दिया, बेचारी वो नाराज होकर चली गई। अब क्या करे बेटा। मैं भी वही सोच रहा था पापा कि आगे क्या करे। आप दोनों एक काम कर सकते हैं, कल सुबह होते ही उसके घर जाकर उसे मना लीजिएगा। कीर्तना बिल्कुल सही कह रही है बेटा। मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? मत बोलो, तुम कभी भी अच्छा नहीं बोलते हो। अरे परमो, अरे मैं जो भी बोलता हूँ अच्छे के लिए बोलता हूँ, और अभी भी बोलूंगा तो अच्छे के लिए ही बोलूंगा। क्या बोलने वाले हैं आप? गणेश, आज जो हुआ मेरी वजह से हुआ। दुर्गा और नरसिम्हा में लड़ाई मैंने करवाई थी ना। ये सब आपकी वजह से हुआ? ये क्या किया आपने? हाँ, अगर ऐसा नहीं करता तो वो ससुराल नहीं जाती। सुनो, तुम लोग उसे अपने हाल में छोड़ दो। दुर्गा इसी कारण अपने ससुराल गई। ये सब जो भी हो रहा है उन लोगों की भलाई के लिए है। देखो परमा, दुर्गा और संगीता को अभी उनके ससुराल के बारे में समझ में आया है। अब बचा है सिर्फ नरसिम्हा। जीजा जी जल्दी सुधर जाए तो आनंद भवन फिर से पहले की तरह चलने लगेगा। पापा पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक बात बताऊं गणेश, कुत्ते की दुम है ना, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। वैसे ही तुम्हारा जीजा नरसिम्हा है, वो कभी नहीं सुधरने वाला है। उसकी चिंता छोड़ो, आई विल हैंडल हिम। ठीक है, चलिए खाना खा लेते हैं। चलिए पापा।